Hello everyone, this is Ramesh Noi and today we are going to discuss class 10th SST Social Science Assessment Worksheet number 10. यह आपकी 8th of November 2021 की वर्कशीट रहेगी. जैसा कि मैं हर असेसमेंट वर्कशीट से पहले आपको बोलता हूँ कि ये जो असेसमेंट वर्कशीट है ये आपके क्लास टेस्ट, आपके यूटी, आपके पीटी की तरह होती है. सो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इनको सेल्फ कीजिए. अगर आप सेल्फ कर सकते हैं दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है. अगर आप सेल्फ नहीं कर सकते तो भी एटलीस्ट आपको ट्राई ज़रूर करना है. पहले आपको इस असेसमेंट वर्कशीट को सॉल्व करना है, उसके बाद जो भी आपके आंसर या सॉल्यूशन रहता है उसको आप इस वीडियो के साथ टैली या मैच कर सकते हो. लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट की. ये जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 है ये आपकी ऑब्जेक्टिव रहेगी. इट मीन्स जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे. लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ लैंड कंजर्वेशन. कि इनमें से कौन सा मेथड है जो लैंड कंजर्वेशन का मेथड है, यानी कि जिसे हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए. फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग मतलब पशुओं को बहुत ज़्यादा चराई करना एक ही जगह पे, उसको कंट्रोल करना. सेकंड है शेल्टर बेल्ट. शेल्टर बेल्ट मतलब जैसे लाइनों में पौधे लगाना, राजस्थान में ड्राई एरिया में ऐसा किया जाता है ताकि जो सॉइल इरोजन है उसको कंट्रोल किया जा सके. थर्ड ऑप्शन देखें प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस. जो इंडस्ट्रियल जो वाटर होता है, जो केमिकल्स उसमें मिले होते हैं, उसको प्रॉपरली डिस्चार्ज किया जाए, प्रॉपरली उसको ट्रीट किया जाए. ये ऑप्शन दिए गए. डी दिए गए ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा, ऑल ऑफ द, यानी कि इन सभी वे से हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं. ये तीनों ही इंपॉर्टेंट मेथड्स है लैंड कंजर्वेशन के लिए. तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर. सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रीजंस फॉर डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज. इनमें से क्या है जो रिसोर्सेज के डिप्लेशन के पीछे रीजन है, यानी कि रिसोर्सेज वो खत्म होते जा रहे हैं, तो उनके पीछे इनमें से कौन सा कारण है. फर्स्ट है इरेशनल कंजप्शन. इरेशनल होता है अतार्किक, मतलब बिना सोचे समझे कंज्यूम करना इन रिसोर्सेज को. सेकंड है ओवर यूटिलाइजेशन, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना इन रिसोर्सेज को अंधाधुंध तरीके से. ओके, सी दिया गया ए और बी बोथ और डी दिया गया नन ऑफ दीज. तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो सी रहेगा, ए एंड बी बोथ रहेगा. ठीक, ये जो क्वेश्चन है वो हिंदी मीडियम में थोड़ा अलग दिया गया तो वहाँ पर करेक्ट आंसर सी नहीं रहेगा, लेकिन आपका जो इंग्लिश मीडियम है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा. ओके, यानी कि ये दोनों ही कारण है जिसे रिसोर्सेज वो खत्म होते जा रहे हैं, डिप्लेट होते जा रहे हैं. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखिए, व्हेन डिड सिविल वॉर एंडेड इन श्रीलंका. श्रीलंका में सिविल वॉर कब खत्म होता है. फोर ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट है 2006 में, सेकेंड है 2008 में, थर्ड 2009 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2010. इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो सी रहेगा, 2009. ये जो सिविल वॉर है 1983 में इसकी शुरुआत होती है और उसके बाद ये 2009 में प्रभाकरण होते हैं एलटीटी के प्रमुख, उनको मार गिराया जाता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है. ओके, तो 2009 सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ आपका क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी डेवलपमेंटल गोल और गोल्स फॉर लैंडलेस फार्मर. किनमें से क्या एक लैंडलेस फार्मर के लिए डेवलपमेंट के यानी विकास के लक्ष्य हो सकते हैं. ओके, फर्स्ट है मोर डेज ऑफ वर्क, मोर डेज फॉर वर्क, कि ज़्यादा दिनों तक काम मिले. सेकंड है लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, कि लोकल स्कूल में उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले. तीसरा नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, किसी टाइप का सामाजिक भेदभाव ना हो, और डी ऑल ऑफ दीज. तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा, यानी किसी भी लैंडलेस फार्मर के लिए ये सभी डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं. वो चाहता है कि अच्छे काम मिले, कई दिनों तक काम मिले, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, कोई भेदभाव ना हो, तो ये लोकल जो कोई भी लैंडलेस फार्मर है उसके लिए विकास के लक्ष्य हो सकते हैं. ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑल ऑफ दीज. फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, सुनीता इज इन्वॉल्व इन फिशरी. सुनीता है वो फिशरीज मतलब मछली पालन करती है. स्टेट इन विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी सी वर्क्स. हमें बताना है कि ये जो फिशरीज है वो किस सेक्टर में आता है. ओके, मछली पालन किस में आता है. ऑप्शन दिए गए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सी टर्सरी सेक्टर, डी नन ऑफ दीज. तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा. जो मछली पालन है, फिशरीज है, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है. एग्रीकल्चर, फिशरीज या पशुपालन हो गया, या माइनिंग है, खान से कुछ भी निकालना, खनिज मिनरल्स को निकालना, तो ये सभी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं. ओके, तो फिशरीज भी प्राइमरी सेक्टर में, तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा. सिक्स्थ क्वेश्चन को देखिए, इन इंडिया थर्ड टीयर ऑफ पावर शेयरिंग इज नोन एज. इंडिया में जो थर्ड टीयर की गवर्नमेंट होती है, तीसरे लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, उसको क्या कहा जाता है. फर्स्ट ऑप्शन है उसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, सेकंड ऑप्शन है उसे लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, थर्ड उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है,
एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस. करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बी, लोकल गवर्नमेंट. ओके, एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है. क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 दिया गया है उसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि इन सभी तरीके से हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं. सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है उसमें करेक्ट आंसर सी रहेगा, इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन, बोथ ए एंड बी है, इससे रिसोर्स वो डिप्लेट होते हैं, खत्म हो रहे हैं, विनाश हो रहा है उनका. थर्ड क्वेश्चन है कि वेन डिड सिविल वॉर एंडेड इन श्रीलंका, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका 2009 रहेगा, सी रहेगा, 2009 में, 2009 में सिविल वॉर है वो एंड हो जाता है श्रीलंका में. फोर्थ है कि एक लैंडलेस फार्मर के लिए डेवलपमेंटल गोल कौन से हो सकते हैं, तीनों ही हो सकते हैं, तो डी ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर रहेगा. फिफ्थ और सिक्स्थ को देखिए, फिफ्थ आपका क्वेश्चन दिया गया सुनीता इज इन्वॉल्व इन फिशरीज, तो फिशरीज किस में आता है, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा. और जो सिक्स्थ क्वेश्चन है कि इंडिया में जो थर्ड टीयर ऑफ पावर शेयरिंग है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा. चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 to 10. क्वेश्चन नंबर जो 7 to 10 दिया गया है यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई है, ठीक, एसर्शन ए और उसका रीजन दिया गया आर. ठीक, उसका रीजन जरूरी कि एसर्शन एक स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट जो रीजन है वो आर के साथ दिया गया. अब हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, कैसे चूज करेंगे कि अगर बोथ एसर्शन एंड आर दोनों करेक्ट हैं एंड आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो हम ए को चूज करेंगे. इफ बोथ एसर्शन एंड आर आर ट्रू, दोनों ट्रू है लेकिन आर ए की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो तब हम बी को चूज करेंगे. सी कब चूज करेंगे, जब ओनली ए करेक्ट हो, और डी को चूज करेंगे जब ओनली आर करेक्ट हो. ठीक, तो चलिए सेवंथ क्वेश्चन को देखते हैं. सेवंथ हमारा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, ट्रीटमेंट इज मोस्टली कॉस्टलियर इन प्राइवेट हॉस्पिटल. प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो महंगा होता है, सही है. पहली बात तो हमें ये देखना है सही है या नहीं, ये सही है. दूसरा, द एम ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट, इसका कारण ये, रीजन ये कि वो प्रॉफिट कमाते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है, जो पब्लिक सेक्टर में नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर में होता है, तो ये भी ट्रू है और ये ए को सही से एक्सप्लेन भी करा है. तो यहाँ पे करेक्ट जो हमारा आंसर रहेगा वो ए रहेगा, बोथ ए और आर ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. एट्थ को देखिए, पावर शेयरिंग इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पावर शेयरिंग है उससे पॉलिटिकल सिस्टम उसमें स्टेबिलिटी आती है. ओके, और उसके बाद बताया गया कि पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, उनमें पावर शेयरिंग की जाती है, यानी कि जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है, आपस में सत्ता की साझेदारी, पावर की शेयरिंग होती है. तो यहाँ देखिए, पहली चीज़, पहला करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. क्या ये सेकंड आर रीजन है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, पावर शेयरिंग को एक्सप्लेन कर रहा है कि पावर शेयरिंग होती कैसे है, ठीक, जिसके कारण जो स्टेबिलिटी आ रही है. तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ए रहेगा, यानी कि बोथ ए एंड आर है वो ट्रू है और आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. उसके बाद नाइन्थ को देखिए, नाइन्थ आपका क्वेश्चन दिया गया, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज ग्लोबल फिनोमेना, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो ग्लोबल इशू है, बिल्कुल सही है. सेकंड इसका रीजन आर देखिए, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू नेशनल बाउंड्रीज, ये ग्लोबल इश्यूज इसलिए क्योंकि नेशनल बाउंड्री तक लिमिटेड नहीं है. जैसे पाकिस्तान में अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको हम इंडिया में घुसने नहीं देंगे, कहें कि नहीं जी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, वीज़ा दिखाओ, नहीं हो सकता ना, पूरी वर्ल्ड का इश्यू है, सारे ही मिलकर के इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई एक कंट्री नहीं कर सकती. तो यहाँ पर ए और आर दोनों ट्रू है और आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो यहाँ पर भी आपका सेम आंसर रहेगा ए, यानी कि सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ तीनों में आपका करेक्ट आंसर है वो ए रहेगा. टेंथ क्वेश्चन को देखिए, टेंथ जो हमें दिया गया, टेंथ में दिया गया मैटरनिक, मैटरनिक है डिस्क्राइब्ड जेसीपी मेजनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर. जो मैटरनिक है, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, उन्होंने कहा था कि मेजनी है वो सोशल ऑर्डर के सबसे बड़े दुश्मन है. क्यों कहा है, यहाँ पे रीजन दिया गया कि जेसीपी मेजनी रिलेंटलेसली अपोज मोनार्की, कि वो मोनार्की जो सिस्टम था उसका घोर विरोधी था. ओके, इसलिए उनको कहा गया. दोनों ट्रू भी है और यहाँ पर आर जो वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन भी करा कि ऐसा क्यों कहा गया. ठीक, तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर वो ये हो जाएगा, यानी कि सेवन्थ में ये रहेगा, एट्थ में ये रहेगा और नाइन्थ में ए रहेगा और टेंथ में भी आपका करेक्ट आंसर है वो ए रहेगा. तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10. आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी, तो इस वीडियो, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. और हाँ, क्लास 10 सोशल साइंस के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं,
सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज हो चुके हैं, सभी चैप्टर्स हम डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, क्लास टेंथ सोशल साइंस का आपको जीनियस पेज मिलेगा जहाँ पर आप सभी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।